goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hey, Babarji. Hey, Sala, tope wale. तुम साला घर पे पानी नहीं उबालता, यहाँ साला टमाटर काट रहा है बे। ये चादर भाई मैं घर से लाया था, पूरा सेटअप देखो हमने किस तरीके से लगा रखा है। गाड़ी को हमने खड़ा कर रखा है डायगनल, ताकि वहां से जो हवा का फ्लो आ रहा है वो इसको काट दे। तब हमने सिलेंडर यहाँ लगाया हुआ है, पूरी चादर वादर कर करके पूरा सेटअप तैयार कर दिया। हमें सिर्फ एक कमी लग रही है कि हमारे पास में सिलेंडर एक है, गैस एक है, एक टाइम पे एक ही चीज बन पा रही है। इस चीज का ड्रॉबैक हो रहा है, बट एटलीस्ट कुछ बन तो रहा है। भूखे तो नहीं जा रहे हम लोग, और यहाँ पे जो नजारा देखने को मिल रहा है साथ साथ बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है। दिन में हमें लग रहा था कि गर्मी है, पर रात में देखो भाई, शाम होते होते टोपे लोई सब निकल गई है, जैकेट टोपा सब कुछ निकल गया है भाई। मैंने भी स्वेट शर्ट पहन रखी थी, अब फील हो रहा है, अब फील हो रहा है कि थोड़ा सा सही करा हमने पहन के आए थे, क्योंकि अब थोड़ी सी ठंडक शुरू हो गई है। आलोक भाई का कहना है कि ये जब घर वाले हमारे ब्लॉग देखेंगे तो कहेंगे साले वहां तो टमाटर काट रहा था, अब यहाँ भी घर पे भी काट है। काट देना टमाटर यार, क्या हो गया, तुम तो वैसे भी एक्सपर्ट हो टमाटर काटने में, देखना क्या छोटे छोटे टमाटर काट रहे हो तुम। ये प्लेट फंस गई भाई, ये प्लेट कैसे निकलेगी, प्लेट है क्या ये, दो भाई निकल गया भाई, निकल गया। बहुत देर से आलोक भाई लगे पड़े आगे पीछे करने में, निकल ही नहीं रही थी, अब जाके निकली है। कुकर हमने कर दिया है अब साइड, अब हम बना रहे हैं मैगी। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जिन लोगों को मैगी बनानी नहीं आती, पहले हमने डाला है ये तेल, उसके बाद हम डालेंगे प्याज, जीरा डालना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, कोई कह रहा है जीरा डालो, कोई कह रहा है ऐसे डालो, कोई कह रहा है बिना ऐसे। जो बनाना चाह रहा है भैया उसको पता ही नहीं, जो बनाना चाह रहा है उसकी सुन नहीं रहे, सब अपनी अपनी मर्जी के बना रहे हैं। कोई कह रहा है जीरा डाल दो, जीरा डाल दिया, अब कोई कह रहा है डायरेक्ट प्याज डाल दो, टमाटर डाल दो, खीरा डाल दो, सब कुछ ही डाल दो प्याज में, सब कुछ लपेट दो। किसी को नहीं भाई, हम में से किसी को खाना बनाना नहीं आता है, सब भाई सबको बनाना, एक एक इनको आता है, सिर्फ एक मेरे भाई हैं ये अंकित भाई, सिर्फ इनको आता है बनाना, बाकी और किसी को खाना बनाना नहीं आता। लेकिन जो नजारे हैं वो सबको एंजॉय करना आते हैं भाई। मैंने ये ग्लव्स पहन लिए हैं, ठंड लग रही थी मुझे। हम डाल रहे हैं ये टमाटर और प्याज, वैसे ये अलग अलग डालते हैं जहां तक मुझे पता है, पर यहाँ पे हमने सब एक साथ ही डाल दिया। डाल दो, सब डाल दो, देख ही जाएगी जो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खिचड़ी तो बनेगी, खिचड़ी खा लेंगे। अच्छा भाई, ये प्लास्टिक की बोतल है हमारी, ये खत्म हो गई है, इसमें से हमने रैपर हटा दिया, और इसमें मैं ऐसा वाला पानी भरूंगा तो ये हमारे बर्तन धोने के, हाथ धोने के, वो सारी चीज़ों के काम आ जाएगा। हमें पीने का जो पानी है वो ख़राब नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ पे नदी है, वहाँ से भरता हूँ भाई। ये आ रहा है बहता हुआ साफ पानी, तो यहाँ से भर लेता हूँ। कितना साफ पानी है भाई, कितना साफ पानी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है भाई। आलू की सब्जी तैयार हो गई हमारी, हिलाना जरा इसे चाकू से। आह हा हा, मज़ेदार है भाई, आलू वालू सब पक चुके हैं। नाना बस बस रख दो, मसाला ठीक है, कैसी है, पक गई है, एक नंबर, एक नंबर पैक कर दो बस। भाई अब हमारे चावल हो रहे हैं तैयार, सीटी लग रही है नहीं, और ये मैगी तैयार हो गई हमारी, मैगी भाई, मैगी पहाड़ों की दिखाओ ना, अरे पकड़ो टर्न करो मैं। ये मैगी हमने खुद बनाई है भाई, खुद बनाई है, कोई नहीं है पहाड़ों के बीच में, हम और हमारी मैगी। A few moments later, गाड़ी निकालने का जुगाड़ कर रहे हैं, जी टॉर्च है हमारे पास में इसी से, और बाकी गाड़ी की रोशनी है, तो हम यहाँ से निकलेगी गाड़ी, वो खड़ी हमारी गाड़ी, अब निकालते हैं इसको यहाँ से। टाइम हो रहा है लगभग 7:15 और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, अब गाड़ी को निकालना है, बहुत ज़रूरी। फाइनली गाड़ी चढ़ चुकी है यहाँ से, ये थोड़ा सा डर लग रहा था, बट गाड़ी यहाँ से चढ़ गई हमारी, ये रही गाड़ी ऊपर, और अब चलते हैं। हम जा रहे हैं अब सरचू, किलोमीटर्स हैं 59 और टाइम दिखा रहा है 1:50 लगभग पहुंचेंगे 9:13 पे, और इस टाइम पे रोड पे कोई नहीं है भाई, ना लाइट है, ना ट्रैफिक है, ना कुछ है, बस हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब सरचू में ही हम रुकेंगे, वहीं पे होटल लेंगे, और वहीं पर भी जो हमने बनाया है उसको खा के इंजॉय करेंगे। तो चल रहे हैं भाई फटाफट। भाई ट्रक आ रहा है, तो हम लोग रुक गए हैं ट्रक के लिए, अब वो यहाँ से निकलेगा तो हम यहाँ से वापस जाएंगे। एक ट्रक और निकला, फिर एक गाड़ी और, और एक गाड़ी और, अब पहले ये सब निकल जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। भाई रास्ते में कहाँ तक जा सकते हैं गाड़ी से?
अभी हमने एक ट्रक वाले भाई से पूछा, जो भी गए थे ट्रक वाले भाई, उनसे पूछा रास्ता कैसा है, तो वो कह रहे सरचू तक कोई दिक्कत नहीं है, सरचू तक आप आराम से जा सकते हो। तो हमारा स्टॉपेज भी सरचू ही है, सरचू में ही हम रुकेंगे। यहीं तक खराब है, इसके आगे का रास्ता वो लग रहा है सामने, वहां से ठीक लग रहा है रास्ता। इस रोड पे कभी कभी टावर आते हैं, बेसिकली जो कैंप एरिया है ना, जो मिलिट्री का कैंप एरिया बना रखा है उन्होंने, जहां जहां पे वो स्टे कर रहे हैं या रुके हुए, वहां पे टावर आ रहे हैं, बाकी फिर टावर फिर से चले गए। हमारे फोन में दो बार टावर आए थे, एक बार पहले आए थे, एक बार अभी आया है, और अब फिर से चले गए। यहाँ से जो सरचू की डेस्टिनेशन है 52 किलोमीटर, 1 घंटा 40 मिनट, 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। और यार बोलने में भी ना सांस फूल रही है, एल्टीट्यूड हम ऊपर हाइट पे जाते जा रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से थोड़ा सा फील हो रहा है। यहाँ से हमें जाना है नीचे, रोड यहाँ से ख़राब है, बंद कर रखी है, तो यहाँ से नीचे जाएंगे और फिर दूसरे पहाड़ से चढ़ेंगे। काम चल रहा है, रोड रोलर वगैरह सब है, तो काम पूरा चल रहा है भाई, बट यहाँ से धीरे धीरे चलना है लोग जी, स्लोली स्लोली। आगे भाई ट्रक चल रहा है ना, तो हिम्मत आ रही है, और पीछे भी हमारे ट्रक आ रहे हैं। जो सरचू रह गया है, जो माइलस्टोन पे लिखा हुआ है, वो है 35 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 8:20, और हमारा जो नेट चल रहा था वो सब बंद हो चुका है, अब नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे GPS भी लॉस्ट हो चुका है, GPS भी नहीं पकड़ रहा। तो अब चलते हैं किलोमीटर के हिसाब से सरचू में रुकेंगे, फिर देखेंगे क्या करते हैं वहाँ। थोड़ा सा ख़राब रास्ता हमें फिर से मिला है, पर ये ट्रक वाला क्यों रुका हुआ है, बंद हो गया इसका ट्रक शायद। आराम आराम से चलना भाई, आराम आराम से, प्यार प्यार से, लेफ्ट से रखना, लेफ्ट से। इधर कच्ची सड़क है और इधर है थोड़ी पक्की, ट्रक जा रहे हैं हमारे आगे, तो भाई इसी के पीछे पीछे चल देंगे, क्योंकि ये निकलेगा तो हमारी गाड़ी तो निकल ही जाएगी। पर यहाँ पे भाई सांस फूल रही है, बैठे बैठे में भी फूल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दौड़ लगा के आए हैं ना, दौड़ने के बाद आदमी की जब सांस फूलती है, तो इस तरीके से सांस धीरे धीरे फूल रही है, क्योंकि एक तो यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है ग्रीन। वैसे तो यहाँ से भी सड़क है, यहाँ से भी निकल सकते हैं, बट हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे यार, आराम आराम से इसके पीछे चलते रहो, कोई फायदा नहीं है यार, थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे, एक मिनट क्या फर्क पड़ रहा है। एटलीस्ट वो जा रहा है तो वो हमें रास्ता बताता हुआ जा रहा है, कहाँ कहाँ से आप जा सकते हो। यहाँ से हमें फिर से रोड सही मिल रही है, यहाँ दबा लो भाई, हम पूरा जोरों पे चल रहा है भाई, पूरा जोरों पे। प्लान हमने कुछ ऐसा करा है कि अब हम सरचू नहीं, पराचला जो भी जगह है यार, मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बारालूचा, तो अब हम वहाँ रुकेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे सर में दर्द हो रहा है। और साथ ये दो टेंट मिले हमें, एक ये टेंट मिला है और एक ये टेंट मिला, तो यहाँ पूछने चलते हैं कि क्या है भैया, यहाँ पे है कुछ या फिर आगे। अच्छा, अब क्या आएगा? तो हमने भाई यहाँ भी पता करा, और यहाँ भी 300 रुपये पर बेड पर पर्सन का चार्ज है, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक रहे, अगर आप सरचू ही चले जाओ, क्योंकि सरचू तक आप ड्राइव कर सकते हो, सरचू तक में कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता सही है, तो 1 घंटा और लगेगा, तो सरचू ही चलते हैं यार। टेम्परेचर हो रहा है भाई 9 डिग्री सेल्सियस। अभी हम जहाँ पीछे रुके थे वहाँ हमने पूछा बारालाचा कहाँ है, तो कह रहा भैया बारालाचा तो आप पीछे छोड़ते हुए आ गए हो, तो या तो यहाँ रुक जाओ या फिर आगे सरचू चले जाओ, रोड बिल्कुल साफ है। तो हमने सोचा यार अब यहाँ क्या रुके, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा अब सरचू ही चलते हैं, एक तो नेटवर्क भी आ जाएगा और वहाँ पे ऑप्शंस भी थोड़े से हमें ज़्यादा मिल जाएंगे रुकने के, तो इसलिए अब हम 1 घंटा ड्राइव कर रहे हैं। सर में जो दर्द हो रहा था उसके लिए हमने टोपी उतार दी है, टोपी उतार के थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अगर कुछ लगा कि भैया अब नहीं है बस की, तो फिर भाई कहीं गाड़ी साइड में लगाएंगे और सो जाएंगे, बाकी देखते हैं कहां तक जा पाती है जर्नी हमारी आज।
यहाँ से जो सरचू की लोकेशन रह गई है वो है 21 किलोमीटर, और गैंगलोंग करके एक और जगह है भाई वो रह गई है 2 किलोमीटर। तो अब हम सीधा सरचू ही चलते हैं, 21 किलोमीटर ही गाड़ी ड्राइव करनी है हमें, 21 किलोमीटर और हम मैक्सिमम एक घंटे में कवर कर लेंगे। तो सरचू ही रुकते हैं और सरचू में ही नेटवर्क भी आ जाएगा हमारा, कुछ हमें घर पे भी फ़ोन करने हैं वो भी कर लेंगे, डेटा भी ट्रांसफ़र करना है वो भी कर लेंगे, और सरचू में हमें ऑप्शन तो रास्ता ही बंद है भाई, उधर देखो उधर, ये तो रास्ता ही बंद है, कहाँ ला गए भाई, तुमने भी पहाड़ी नीचे गलत उतार ली क्या? लो पीछे लो पीछे लो पीछे लो पीछे लो लो पीछे लो, घुमा दो पूरी, घुमा दो पूरी, घुमा दो पूरी, घुमा दो पूरी, आलोक भाई पूरी घुमा देना, जगह है पीछे, पूरी घुमा दो, घुमा दो पूरी, घुमा दो पूरी, घुमा दो फुल 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 काट दो, और लो और लो, बस 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 काटो, आगे काटो, काट दो पूरी काट दो, चलो बैठो बैठो। रास्ता भटक गए हैं भाई हम थोड़ा सा, कहाँ लिखा है, लिखा था बोर्ड पे कि ये रास्ता, ये वाला रास्ता जा रहा है, आराम आराम से चलते रहो, यही रास्ता है, यही दिखा पहुंच चुके हैं भाई फाइनली लद्दाख, लद्दाख पहुंच चुके हैं, हिमाचल खत्म हो गया है, और अब देखते हैं कहीं रुकने का जुगाड़, क्योंकि रुकना बहुत जरूरी है, पूछना। ये होने वाला है भाई हमारा आज का कमरा, आज का रेस्ट रूम ये होने वाला है, ये स्लीपिंग बैग है या रजाई है, पता नहीं, शायद रजाई है, तो आज तो हम यहीं रुकेंगे, सही बना हुआ है बहुत अच्छे, ठंड भी नहीं हो रही, हवा भी नहीं आ रही अंदर, तो यहाँ पे सही रहेगा बिल्कुल। डेटा कर रहा हूँ भाई मैं ट्रांसफ़र, सारा सब कुछ हार्ड डिस्क वार्ड डिस्क सब लगा रखे हैं, कहाँ गई मेरी हार्ड डिस्क, गिरी भाई हार्ड डिस्क, डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और ये मेडिसिन के बॉक्सेस हम अपने साथ लेके आए हैं भाई, ये हमने अपने मेडिसिन के बॉक्स बनाए हुए हैं सेराडाउन के सारी चीज़ों के, और अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हमारे सर में हो रहा है दर्द, आलोक भाई के सर में भी हो रहा है, मेरे सर में भी हो रहा है, सबके सर में दर्द हो रहा है। तो भाई ये हम पूरा पैकेट दिल्ली से लेके आए हैं, इसमें बुखार की भी दवा है, पैरासीटामोल भी है और एंटीबायोटिक्स भी हैं, ये देख लो एजिथ्रोमाइसिन आई है, एंटीबायोटिक भी लेके आए हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो गई कुछ हो गया तो एटलीस्ट उसके पास सामान है अपने को संभालने के लिए, और फिर फर्स्ट एड हम आगे अगर कुछ होता है तो फिर वहाँ पर लेंगे, बट हम अपना पूरा पैकेट लेके आए हैं, इसमें भी पूरा सामान है, पूरा सब कुछ पैक है, मास्क है, सेराडोन है, डिटॉल है, सब कुछ है, गर्म पट्टी, बैंडेज, सब कुछ, ईयरबड, मास्क, कॉटन पट्टी, सब चीज़ हम लेके आए हैं भाई अपने साथ में, तो जब भी आप यहाँ पर आओ तो ये लेके आओ भाई, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे बहुत कम पड़ती है बट आज पड़ रही है, हैं आलोक भाई, मुझे नहीं लगता आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ती होगी कभी, मैंने कभी नहीं, पर आज ज़रूरत पड़ रही है भाई, क्योंकि सर दर्द हो रहा है सबका, डेटा कॉपी पे हो रहा है भाई, कॉपी हो रहा है डेटा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ, आलोक भाई बहुत ज़रूरी है भाई डेटा कॉपी करना, डेटा की अहमियत मेरे से पूछो और आलोक भाई से पूछो जो इनका फोटोग्राफी का काम है, तो ये भाई बिना डेटा के बेकार है भाई, हम लोग बिना डेटा के बिल्कुल ख़त्म है हम। तो भाई यहाँ से हमने ली है रोटियाँ, रोटी खाने का मन कर रहा था, फिलहाल जो रोटी हमें दी है इन्होंने 15 रुपये की दी है, 20 रुपये ये मांग रहे थे, तो कह रहे चलो कोई बात नहीं आप 15 की हम दे देंगे आपको, सब्ज़ी हमने बनाई थी वहाँ पे, तो रोटी और सब्ज़ी थोड़ा सा खाते हैं और फिर सोते हैं, गर्म पानी उसमें रखा है, सूप के पैकेट हमारे पास हैं, मन करेगा सूप तो पी लेंगे, बाकी यार चावल खाने का मन है नहीं, इसको अब हम सुबह देखेंगे, सामान सब इधर आ गया है, डेटा ट्रांसफ़र करके लैपटॉप वगैरह सब साइड कर दिया है, तो बस अब खाते हैं और सोते हैं, टाइम अभी हो रहा है मेरी जान, टाइम हो रहा है 11:23, और अब खा के बस सो रहे हैं भाई, सब ने टोपे पहन रखे हैं क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, 7-8 डिग्री टेम्परेचर है।